बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन .99 पे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। इस लेक्चर के अंदर हम बोहर्स थ्योरी की एप्लीकेशन पर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बोहर थ्योरी पर बात की कि नील बोहर ने किस तरह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर किए जाने वाले ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन एटम को लेकर एक्सपेरिमेंट करके एक न्यू मॉडल प्रपोज किया, जिसे हम क्या कहते हैं, नील बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर थ्योरी। अब इसने याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसका जो एटॉमिक मॉडल है दैट इज़ मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम। तो हम इसकी एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। देखिए, हमने जब बोहर थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उन सर्कुलर पाथ को हमने बोहर ऑर्बिट का नाम दिया था। अब इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने ये कहा है कि 1836 टाइम हैवियर होने की वजह से, इसको मैं ज़रा यूँ लिखता हूँ, आप इसको यूँ लें कि हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन बीइंग 1836 टाइम हैवियर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवी होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में या सेंटर में स्टेशनरी रहता है और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब उस सर्कुलर पाथ को हमने नाम दिया था बोहर ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल का नाम दिया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो शेल है इसका रेडियस क्या होगा। रेडियस का मतलब यहाँ पर आप ये लेंगे कि कितने साइज का ये ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है। अब उसके लिए हम ये पहली बात आप एज्यूम करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन विद मास m, m एंड विद वेलोसिटी v, मास m है इसका और वेलोसिटी v के साथ ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, ये खुद नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सबसे पहली चीज हम ये लेंगे कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है वो क्या है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है कूलम्स लॉ। तो हम पहली बात ये लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये आपने पढ़ा है ना, कूलम्स लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा है कि कोई से भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी, अगर सेम चार्जेस हुई रिपल्जन होगी, डिफरेंट चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन होगी। तो कूलम ये कहता है कि जो अट्रैक्शन है या रिपल्जन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, कि वो जो चार्जेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन चार्जेस की क्वांटिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के दरमियान। तो अब अगर हम लें, इफ ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ZE is charge of nucleus, where Z is number of proton. Nucleus का charge हम ले रहे हैं ZE और electron का charge ले रहे हैं E. अगर electron का charge G है, यहां पर ये जो ZE के साथ हमने कहा था proton का charge और electron का charge same है, लेकिन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं वो नंबर हमने उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर हम इस पे कूलम लॉ अप्लाई करें, कूलम लॉ ये कहेगा
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएंगे के, इसको आप स्केयर कर दें, जी ई स्केयर बाय आर स्केयर, ये हमारी बनेंगी इक्वेशन वन। वंस अगेन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने लेनी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमें कौन देगा? कूलम ला देगा। उसके मुताबिक हमने क्या कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और न्यूक्लियस के चार्ज का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पहली चीज आ जाएगी। अब इसी को हम लेकर आगे डिराइव करेंगे, देखिएगा। देखिए हमने कहते हैं ये हमने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब याद रखना है यहां पे कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो ये आएगा रेडियस, अच्छा हमने ये पहली इक्वेशन ली, एफ अट्रैक्शन इज के जी ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर, दिस इज इक्वेशन वन। रिमेंबर हेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और याद रखना है कि दिस के इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू क्या होती है? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। अब यहां पर इस चीज को आपने याद रखना है, दिस एप्सिलॉन नॉट दिस इज परमिटिविटी कांस्टेंट, दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी कांस्टेंट है कि जिस मीडियम के अंदर आप दो चार्जेस को इंट्रैक्ट करवा रहे हैं उस चार्जेस की, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है। तो हम यहां पे इसको ले रहे हैं, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²⁻¹² कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर, ये इसकी वैल्यू है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो हम इस इक्वेशन को यूं लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बनेगी इक्वेशन नंबर टू। मतलब इसमें हमने कोई नेक्स्ट या कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं की, इसमें हमने क्या किया है कि जस्ट के की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, क्लियर। अच्छा अब आते हैं फर्दर, आगे जाते हैं, देखिएगा अब देखिए, ये तो हमने एक बात कही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, उसको हमने ये ले लिया। अब ऐसा तो नहीं होता कि न्यूक्लियस खींच कर इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आई, ने क्या किया था, देखिए हमने ये यहां पे ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका मतलब है कि ये जो इसको इनवर्ड खींच रहा है, इसका मतलब है इसको एक आउटवर्ड भी फोर्स लग रही है, और आप फिजिक्स के अंदर इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं कि जो फोर्स किसी बॉडी को टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल लेके आती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके अगेंस्ट एक फोर्स काम करती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर।
इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर थ्री कि ये जो न्यूक्लियस की फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लाना चाहती है, लेकिन न्यूक्लियस में आकर इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है, वो खास डिस्टेंस पर रह के उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर जाता है। अब वो रिवॉल्व क्यों करता है कि उसको एक फोर्स आउटवर्ड खींच रही है और एक फोर्स इनवर्ड खींच रही है। इनवर्ड जो फोर्स खींच रही है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हमने ये ले लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आउटवर्ड जो फोर्स लेके जा रही है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो किसकी इक्वल बन रही है, एम वी स्क्वायर आर। अब जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो हम ये लेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, आप इस साइड पे लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर आर इधर आ गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये आर इसके साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, हम इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर लेके जाते हैं, देखें क्या है जी, एम वी स्क्वायर जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस इक्वेशन को आप आर के लिए बनाओ तो क्या करोगे, ये आर यहां पे डिवाइड हो रहा है, आप इधर लेके जाओ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर और ये इधर आके डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। क्लियर, इसको आप कह दे इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आपको याद हो बोहर थ्योरी में हमने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था, बोर ने क्या कहा था कि फॉर अ इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए जरूरी है कि उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एन एच बाई 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि दिस इज फ्रॉम बोर पास्टुलेट, ये बोहर के पास्टुलेट से हमें ये बात मिलती है। अब इससे हम इस v की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम आर, इसके साथ आकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें v यहां पे क्या है, v स्क्वायर है, आप इस सारी वैल्यू का स्क्वायर ले, आपके पास v स्क्वायर बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर और आर, आर का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कह दो इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन ए को आप पुट करें इक्वेशन 4 में, कहां पर, वी की जगह पे। जब हम इस इक्वेशन को वी की जगह पर पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, देखिएगा कि हम इस v की जगह पे ये वैल्यू लिखते हैं, r इज इक्वल टू z e स्क्वायर, ये बन गया नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। अब v की वैल्यू ये सारी लिखें, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। क्लियर, अब ये चूंकि यहां पे थर्ड उसमें आ रही है तो इसको आप ऊपर ले जाएं, r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर और r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एम यहाँ का, एन स्केयर एच स्केयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्रॉस हो रहा है, फोर फोर के साथ कट जाएगा, क्लियर, पाई इसके स्केयर के साथ कट जाएगा, एम इसके स्केयर के साथ कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू जी ई स्केयर और यहाँ पे क्या रहेगा आर स्केयर, क्लियर। नीचे क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एन का स्केयर और एच का स्केयर, एप्सिलॉन नॉट उसी तरह से रह जाएगा और एच का स्केयर रह जाएगा। अब देखें, अब आप इस आर के साथ ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आप उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये आर यहां पे, ये सारा उसके साथ मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जी ई स्केयर उसके साथ मल्टीप्लाई, आर इधर अपनी जगह पे ही, ठीक है। अब देखें इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, देखिए आर स्केयर, ये आर हमारे पास क्या है, स्केयर है, ये आर यहां पे मल्टीप्लाई और आप इधर ले आए डिवाइड, मैं इसको इस साइड पे लिखता हूं आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर, ये आर स्केयर, ये यहां पे आकर क्या होगा डिवाइड, क्लियर। अब एप्सिलॉन नॉट एन का स्केयर एच का स्केयर, ये यहां से उसी तरह से, ठीक है, आगे क्या है जी ई का स्केयर, आर इसके साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपके पास क्या रहेगा आर एप्सिलॉन नॉट एन का स्केयर एच का स्केयर जी ई का स्केयर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी रेडियस की कैलकुलेशन के लिए, किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी शेल का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसमें देखें एप्सिलॉन नॉट, this is permittivity constant, n is number of shell, that is not constant, h is Planck's constant, that is a constant, z number of proton, that is constant, e is charge of electron, that is a constant. अब इसमें अगर हम इन constants को अलग करें और एक तरफ n को ले जाएं, n square के अलावा epsilon naught h square z e square, ये सारी चीजें क्या है constant है। अगर इस इक्वेशन के अंदर इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाए तो हमारे पास ये बनता है एन स्केयर 0.529 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, और आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम, आपने पढ़ा था ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इज नोन एज 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम यूं लिखेंगे आर इज इक्वल टू एन स्केयर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये असल इक्वेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन समटाइम ऑब्जेक्टिव आते हैं जो इस इक्वेशन से आते हैं कि कैलकुलेट रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, कैलकुलेट रेडियस फॉर सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और सेम टाइम आपको डिफरेंस फाइंड करने का कह दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने n की वैल्यू पुट करनी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इससे हम एक क्वेश्चन यू सॉल्व करते हैं कि इफ समवन आस्क यू अबाउट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है एन वन, आप क्या करो r इज इक्वल टू 1 का स्केयर 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब 1 का स्केयर 1 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है r 1 क्या आएगा, ये आएगा। समटाइम यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताओ सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस
या डिस्टेंस, या आप ये कह लो कि व्हाट इज डिस्टेंस, अब यूं कह लो कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन आर टू एंड आर थ्री। आर टू आर थ्री का मतलब ये है कि सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, आर टू फाइंड करना है, आर थ्री फाइंड करना है, उन दोनों का आप क्या ले लो, आर थ्री माइनस आर टू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन थी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस बात को याद रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन बहुत कम आती है, इसको आपने डिराइव करना सीखना है, लेकिन मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट अप होना चाहिए। अब आपने इस चीज़ को याद, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को याद रखना है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी इस इक्वेशन से आते हैं। दिस इज़ क्वाइट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये आपके माइंड में हर वक्त होनी चाहिए। रेडियस की कैलकुलेशन के लिए 0.529 एंगस्ट्रम आप याद रखें, एन की वैल्यू पुट करते जाएं, किसी भी ऑर्बिट का आप रेडियस फाइंड कर लें। दैट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस, प्लीज मैंशन इट इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।